हॉर्सेस का इवोल्यूशन कैसे हुआ। यह तो हॉर्सेस के इवोल्यूशन में इनकी जो फॉसल हिस्ट्री है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ऑलमोस्ट कंप्लीट होने का मतलब कि पूर्णतया नहीं है, करीब करीब कंप्लीशन के है। और जो फॉसल हिस्ट्री है ये ग्रेजुअल ट्रांजिशन नहीं शो करती है, कुछ कुछ इसमें गैप है, और न ही फॉसल रिकॉर्ड जो है वो कंप्लीट है। जो मॉडर्न हॉर्स है वो डिसेंडेड है प्लियोहिपस से। प्लियोहिपस एक म्यूल साइज का हॉर्स था, उससे ये मॉडर्न हॉर्सेस डिराइव्ड हैं। और मॉडर्न हॉर्स को कहते हैं एक्वस, और ये नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में अराइज हुआ प्लियोहिपस से। हॉर्स की जो फॉसल हिस्ट्री बिगिन होती है, जो शुरू होती है, वो इयोहिपस से स्टार्ट होती है, और वो शुरू होती है इयोसीन एपोक में। आप टाइम को जब बांटते हैं तो उसको एरा में पहला एरा आता है, एरा को फिर हम पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, और पीरियड्स को फिर हम एपोक्स में डिवाइड करते हैं। तो ये जो सब है एपोक्स है, और हिस्ट्री हॉर्स की यहां से शुरू होती है, यहीं से फॉसल मिलना शुरू होती है। तो हायरेकोथोरियम जो है, जिसको इयोहिपस भी कहा जाता था, वो इयोसीन पीरियड में स्टार्ट हुआ डेवलप होना। और ये एक फॉक्स या कैट साइज का या डॉग साइज का ये एनिमल था। इसकी नेक जो है शॉर्ट थी, और इसका हेड भी जो है वो स्मॉल साइज का था। इसके जो फीट थे कैट की तरह से या डॉग की तरह से, वो फ्लेशी कवरिंग के थे, हूफ नहीं थी, ताकि इनको फॉरेस्ट में ये अपने प्रीडेटर से भागने में उसको हेल्प करते थे। और वो उस फॉरेस्ट में जो नैरो होल्स होते थे प्लांट्स के बीच में, उनके थ्रू ये एस्केप कर जाते थे अपने प्रीडेटर से। इनका जो टीथ था वो रूटेड था, मोलर्स पर लो क्राउन थे, ये क्राउन बने होते हैं देखिए, जो उभार होते हैं, और ये जो क्राउन थे या कस्प थे वो इनामेल से कवर्ड थे। फ्रंट फुट में 4 डिजिट्स थी, और हाइंड फुट में इसके 3 डिजिट्स थी, जैसे कैट और डॉग चलता है उस तरह से ये चलते थे। तो दो चेंजेज इनकी बॉडी में खास तौर से आए, एक तो लोकोमोटरी चेंज इनमें आना था, और दूसरा जो चेंज आना था वो इनके डेंटिशन में आना था, इनकी ईटिंग हैबिट में चेंज होना था, ताकि वो मॉडर्न हॉर्स फास्ट रनिंग के लायक हो सकते थे। इयोसीन के बाद जो इपोक नेक्स्ट आता है वो ऑलिगोसीन है। यहां देखिए स्पेस की कमी थी तो हमने उसको नहीं बनाया। ऑलिगोसीन एपोक में मीजोहिपस डेवलप हुआ, और ये मीजोहिपस जो था वो एक सीप की साइज का था, और इसमें 3 डिजिट सी थे, 1, 2, 3, और इलोंगेटेड थे, और थोड़ा सा इनके डेंटिशन में भी चेंज आया, कस थोड़ा सा डेवलप होने लगे, क्राउन थोड़ा सा बढ़ने लगा। नेक्स्ट जो है ऑलिगोसीन के बाद जो इपोक आता है वो मायोसीन है। मायोसीन में मेरिकिपस आया, और मेरिकिपस जो था वो मिक्स्ड फीडर था। मिक्स्ड फीडर का मतलब ये पत्तों को भी ब्राउज करता था और ये ग्रास को भी खाता था, जबकि इसके पहले के दोनों जो हैं हायरेकोथेरियम और मीजोहिपस या मायोहिपस, ये जो हैं ब्राउजर थे, ये ब्राउज करते थे, और मेरिकिपस जो है वो मिक्स्ड फीडर था। और मेरिकिपस में सेकेंड और फोर्थ जो डिजिट थी वो रिड्यूस हो गई थी करीब करीब, और तो जो थर्ड डिजिट थी वो इलांगेशन में थे, वो बड़ी हो रही थी और वो फूड के रनिंग के लायक बन रही थी। मेरिकिपस के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आई डेवलपमेंट की हॉर्स में, वो प्लियोसीन इपोक में आई, और प्लियोहिपस डेवलप हुआ, और प्लियोहिपस में ये जो डिजिट्स जो हैं रिड्यूस हो गई थी वो समाप्त हो गई, और ये जो थर्ड डिजिट थी वो इलांगेटेड हो गई, और इसमें हूफ, बोनी हूफ डेवलप हुआ। बोनी हूफ डेवलप होने से इनको रनिंग में जो है वो सुविधा मिलने लगी, और प्लियोहिपस की जो साइज थी वो साइज थी म्यूल की। म्यूल आप समझते हैं घोड़े और गधे के बीच की चीज है, जो लोड कैरी करता है, मजबूत बहुत होता है, लोड कैरी करने के लायक होता, तो साइज थोड़ी सी हॉर्स से, मॉडर्न हॉर्स से छोटी होती है। प्लियोहिपस के बाद प्लिस्टोसीन एपोक में डेवलपमेंट हुआ एक्वस का। एक्वस जो कि मॉडर्न हॉर्स है, और ये ग्रेजर था। मेरिकिपस के बाद जितने भी इवोल्यूशनरी चेंजेज आए हॉर्स में, वो सब के सब ग्रेजिंग करते थे, ब्राउजिंग समाप्त हो गई वहीं से, और उनके जो टीथ थे मोलर और प्रीमोलर, उसमें कप्स या क्राउन बहुत उभार पर आए, और वो इनामेल से कवर्ड थे, उसमें ये जो रिजेज हैं, रिज मतलब उभार, ये रिजेज हैं, ये इनामेल से कवर्ड थे, और वो ग्राइंडिंग सरफेस का काम करते थे, तो ये टफ और ग्रिटी वेजिटेशन को क्रश करने में हेल्प करते थे। तो इस तरह से जो हॉर्सेस का डेवलपमेंट है ऑलमोस्ट कंप्लीट है फॉसिल रिकॉर्ड के एविडेंस से, और आज के करीब 5 मिलियन ईयर्स एगो, यूं कहिए 50 लाख ईयर्स एगो, ये नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में डेवलप हुए, और वहीं से ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इनका फैला हुआ, एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो लैंड कनेक्शन से ऑफ था। इनके जो फॉसिल रिकॉर्ड्स हैं बीच बीच में और भी मिलते हैं, और उसे ऑफशूट्स मिलते हैं, और वो ऑफशूट्स जो है वो मॉडर्न हॉर्सेस से छोटे भी हैं, लेकिन वो सब के सब जो है जितने भी जेनरा और स्पीसीज डेवलप हुई वो सब के सब एक्सटिंक्ट हो गए, और मॉडर्न हॉर्स जिसको एक्वस कहते हैं वो ग्रेजर है, और वही जो है सर्वाइव करता है। तो मॉडर्न हॉर्स में हायरेकोथेरियम से जो मॉडर्न हॉर्स का डेवलपमेंट हुआ, जनरल इंक्रीज हुई लेंथ में, सेंट्रल टो इनका जो है ये सेंट्रल टो है ये डेवलप हो गया, बोनी हूफ डेवलप हो गई ताकि वो रनिंग में हेल्प कर सके, और टोस के नंबर में रिडक्शन हो गया, और सभी रेस्ट ऑफ द जो टोस हैं उनका लॉस हो गया। जो हायरेकोथेरियम की हाइट थी 0.4 मीटर थी, और मॉडर्न हॉर्स की जो हाइट है यहाँ ग्राउंड से लगा के शोल्डर तक वो 1.6 मीटर है। तो इतना डेवलपमेंट इनके एंशिएंट से इयोसीन पीरियड से, जो मॉडर्न प्लीस्टोसीन चल रही, जो करंट में भी चल रही है, वहां तक इस तरह से इनका डेवलपमेंट हुआ।